आज की वीडियो में मैं शादीशुदा औरत के ऐसे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिसके कारण औरत पति के अलावा भी बाहर शारीरिक संबंध रखती है। शादी से पहले औरत को जो चाहिए होता है वो चारों तरफ से बरसता है। उसे घूमने जाना है तो 10 लोग तैयार होते हैं, उसे पार्टी करनी है तो 100 लोगों की भीड़ होती है, उसे गिफ्ट देने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, उसकी तारीफ करने वाले 1000ों लोग होते हैं, उसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो हमेशा डिमांड में बनी रहती है। औरत इस उम्मीद में शादी तो कर लेती है कि शादी के बाद भी उसे सब कुछ मिलेगा, वो सारी उम्मीद अपने पति से लगाई बैठी होती है। वैसे औरत को सारी चीज़ें 100% ना भी मिले तो वो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन 1% भी ना मिले तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ कारण बताऊंगा जिसकी वजह से औरत पति के अलावा भी बाहर शारीरिक संबंध रखती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिलसिला प्यार का चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन गैप। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में पति पत्नी के साथ बैठकर बात ही नहीं करता, उनको टाइम ही नहीं मिलता, वो ज़्यादातर अलग ही रहते हैं। पति तो सारा दिन काम में बिजी होता है और वो पत्नी को स्ट्रिक्टली वार्निंग देकर रखता है, मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करना। अब औरत क्या करें? पहले तो वो आसपास के पास पड़ोसियों से दोस्ती करती है और उनसे बात करके टाइम पास करती है, लेकिन बहुत बार पड़ोसी के पास भी टाइम नहीं होता तो वो टाइम पास करने के लिए सोशल साइट्स पर किसी से बात करती है। यह औरत की सबसे पहली ज़रूरत है बात करना, वो बात करती है, बात करते करते मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद वो सब भी कर बैठती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़ है फ्रीडम ना मिलना। पत्नी पति से कहती है मैं बाहर जॉब करना चाहती हूँ, पति मना कर देता है। वो कहती है मैं अपने दोस्तों से मिलने जाती हूँ, पति मना कर देता है। पति को तो इस बात से ही प्रॉब्लम होती है कि उसके घर आकर कोई बात करें, पत्नी के सहेलियों से भी मिलने से पति मना कर देता है। तब औरत पति का सम्मान करने के लिए उसकी बात तो मान लेती है, लेकिन अपने खाली वक्त को काटने के लिए सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेती है, जहाँ वो सबसे स्वतंत्र लड़के को ढूंढती है और उससे बात करती है, और ऐसे किसी बंदे को घर बुला लेती है जिससे वो बात कर सके। बातों ही बातों में वो सब कर बैठती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तीसरी चीज़ है अपेक्षाओं की पूर्ति न होना। शादी से पहले लड़कियों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि वो पति के साथ घूमने जाए, पति उसे बहुत सारे गिफ्ट ला कर दें, उसे बहुत प्यार करें। जब वो लड़की थी तो उसके आसपास का माहौल ही अलग था, उसे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन पति के साथ उसे हर चीज़ मांगनी पड़ती है। सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, पति उसे मूवी दिखाने नहीं ले जा पाता, उसे गिफ्ट नहीं दे पाता, तो औरत ऐसे किसी मर्द की ओर आकर्षित होती है जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो सब भी कर बैठती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। चौथी चीज़ है शारीरिक संतुष्टि ना मिल पाना। शादी से पहले तो लड़की को शारीरिक संतुष्टि की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शादी के बाद उसकी चाहत बढ़ जाती है, उसे उस चीज़ की आदत हो जाती है। पति बेचारा थक हार कर घर आता है, वो औरत को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए बहुत सारे औरत शारीरिक संतुष्टि के लिए बाहर किसी को पसंद कर लेती है। पांचवी चीज़ है शादी के बाद पति का दूसरी औरत के साथ प्रेम संबंध बनाना। औरत को जब पता चलता है कि उसके पति का प्रेम संबंध उसके अलावा भी किसी और के साथ है, तो वो सोचती है कि उसके खुद में ही कोई कमी है, और खुद में कोई कमी है या नहीं ये जानने के लिए वो परपुरुष की ओर इशारा करती है और परपुरुष से प्रेम संबंध रखती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताओ। लड़की पटाने के साइकोलॉजी का लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।